पूरे देश भर में लॉकडाउन के 11वें दिन हम सिवान के जंक्शन पर पहुंचे और यहाँ की स्थिति देखने का प्रयास किया तो बिल्कुल सन्नाटा फैला हुआ है इस जंक्शन पे। ये वही जंक्शन है, आप देख सकते हैं तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कभी यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती थी, यात्री हजारों की लाखों की संख्या में दिन रात उतरते थे। दिल्ली और बड़े बड़े महानगरों से यहाँ पर रेलगाड़ी आती थी, लेकिन आज सिवान जंक्शन वीरानगी पर अपनी आंसू बहा रहा है। लॉकडाउन 14 तारीख तक है और उसके बाद से यह नहीं कहा जा सकता है कि लॉकडाउन 14 अप्रैल तक रहेगा या फिर आगे भी कुछ तिथि बढ़ेगी, लेकिन उसके बावजूद लॉकडाउन का सिवान में बखूबी लोग अपने अपने तरीके से पालन कर रहे हैं। और अगर कुछ लोग लॉकडाउन के नियमों को तोड़ रहे हैं तो उनसे प्रशासन सख्ती के साथ निपट रही है। यह वही सिवान जंक्शन, एक बार हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि पूरे दृश्य को एक बार दिखाएं कि यही वो सिवान जंक्शन है जहां पे तमाम भीड़ होती थी, लेकिन आज सिर्फ चारों तरफ अगर कोई दिखाई दे रहा है तो चिड़िया दिखाई दे रही है और काफ़ी वीरानगी छाई हुई है इस जंक्शन पर। यही जंक्शन है जहाँ पर जो कुर्सियाँ लगी हुई हैं ये तमाम कुर्सियाँ भरी रहती थी, लोग यहाँ पर बैठते थे, लेकिन आज जो है तमाम कुर्सियाँ जो हैं खाली है। सिर्फ इस जंक्शन पर अगर कोई दिखाई दे रहा है तो महज दो स्टाफ हैं जो इस कैंटीन के स्टाफ हैं, इनके मैनेजर भी घर चले गए हैं और यही लोग बेचारे ये लोग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये लोग भी चाहते हैं कि हम लोग अपने घर चले जाएं और इनसे बातचीत भी हम करेंगे। ये बताइए कि आखिर आप लोग यहाँ पर कैसे रह गए हैं? वो रह रहे हैं साहब, बोले कि रुकिए गाड़ी चलेगी तब जाइएगा। अच्छा अच्छा जी, तो अभी यहाँ पे क्या हाल है स्टेशन का? गाड़ियाँ चल रही है या नहीं, क्या कुछ है? नहीं चल रही, मालगाड़ी चल रही है खाली। मालगाड़ी जी। तो आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं? बस वही खाना मालिक देता है, बनाते खाते हैं, बस पड़े रहते हैं बस जी। और अगर लॉकडाउन की बात नहीं करें, अगर उसके पहले की जब बिल्कुल सामान्य स्थिति थी तो उस समय स्टेशन का क्या हाल हुआ करता था, किस तरह से लोगों का आना जाना यहाँ पर रहता था? बहुत था, लाखों की भीड़ थी जी, लाखों की भीड़ थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अच्छा। लेकिन जिस दिन से बंद हुआ तो कोई पंछी के अलावा कोई नहीं है। कोई नहीं? कोई नहीं। आप लोग का घर कहाँ है? हमारा MP पड़ता है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जी। तो आप चाहते हैं कि घर सकुशल परिवार के साथ चले जाए, परिवार वहाँ पे चले जाए जी? 14 तारीख के बाद है गाड़ी चालू होगी, 5 दिन के लिए चले जाएंगे। और अभी क्या प्रशासन से आप चाहेंगे कि प्रशासनिक कोई व्यवस्था करा के आपको घर भेजा जाए? ओके, प्रशासन से चाह रहे हैं, लेकिन 4 दिन की और बात है, 10 दिन की जी, 10 दिन के बाद चले जाएंगे। मतलब कि दिल कह रहा है कि घर जाने के लिए, परिवार के साथ मिलने के लिए, बैठने के लिए? जी हाँ, मन कह रहा है। अच्छा जी। तो अभी कैसे आपका स्टेशन पे बिल्कुल अकेले आप लोग रहते होंगे, तो कैसे आप लोगों का दिन कटता होगा? होगा, दो आदमी रहते हैं जी, दो आदमी रहते हैं, मालिक खाना पीना देता है, हर एक चीज़ व्यवस्था होती है, खाने पीने कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। कोई टेंशन नहीं? नहीं, मालिक पगार भी दे रहा बैठा के। रात में यहाँ लाइटिंग रहती है या फिर बिल्कुल अंधेरा हो जाता है? लाइट रहती है, प्लेटफॉर्म की लाइट जलती है? जी हाँ, लाइट चलती है, पंखा चलते हैं, सब चलता है। पंखा चलता है जी। अपना नाम बताइए। हमारा नाम मोहनलाल साकेत है। मोहनलाल साकेत हैं जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और जाहिर तौर पे आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं, यही वो कैंटीन है, फूड ट्रैक और MSRC गोयल, यहीं पे कैंटीन जो चलता था उसके जो मालिक हैं वो चले गए हैं, लेकिन ये जो हैं उनके स्टाफ हैं और ये बेचारे यहाँ पे उनको रख कर गए हैं। हालाँकि इनका कहना है कि स्टेशन जो आज से लॉकडाउन के पहले जो स्थितियाँ होती थी, लाखों की तादाद में लोग आते थे, लेकिन अब चारों तरफ अगर कोई दिखाई देता है तो सिर्फ पंछी दिखाई देते हैं। देखिए एक और यहाँ पे बंदे मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप यहाँ पे अकेले आप क्या कर रहे हैं? महज दो लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सर यही हम लोग हैं, फंसे हुए हैं। अच्छा। तो अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और क्या किया जाएगा, प्रशासन जब सभी को बंद किया गया तो हम अकेला आदमी क्या कर सकते हैं। और कुछ बोल रहे हैं कि इतना फला तारीख से 14 अप्रैल से कुछ चालू हो रहा है। हम लोग MP मध्य प्रदेश रीवा ज़िला से हैं, ग्राम डिहिया पड़ान, तो यहाँ परेशानी से अटके हुए हैं। तो हमारा साहब जो मालिक हैं मुन्ना सिंह छपरा के रहने वाले हैं, हमको खाना पीना बंदोबस्त हुआ है, यही जिम्मेदारी के साथ में कंटीन में देखभाल। आप लोग आखिर यहाँ कैसे फंस गए, स्टेशन पे कैसे फंस गए? सर हम लोग मजदूर आदमी हैं, यहाँ कमाने खाने के लिए आए हैं, तो यहाँ आए तो अचानक में डेट तारीख अब देख ही रहे हैं लोग बाग सब, जब जमा हो गए तो यहाँ बताया गया कि इतना दिन से होगा, तो जो जहाँ यात्री लोग रहे हैं सब आया गए। और हम लोग यही सोचे कि खुल जाएंगे, 5 दिन का बात था सर, 5 दिन में नहीं हुआ, तो हम लोग यहीं पे हैं। फ़ोन पकड़ किया गया तो साहब बोले कि ठीक है आप लोग रुको,
कोई तकलीफ तो है नहीं, खाओ पियो रहो, तुम्हारा मजदूरी जो है चालू है, देखभाल करो। यानी कि पगार जो होगी आपकी होगी वो मिलेगा जी? जी पगार। क्या आप चाहते हैं कि आप अपने घर मध्य प्रदेश रीवा जिले चले जाएं? जी सर, चाहते हैं कि घर जाएं, अपने परिवार बाल बच्चे से मिले। ऐसा अनहोनी दिन है, क्या होता है क्या नहीं होता है, हाँ। और प्लस ये भी भगवान पत्थर गिरा रहे हैं बोलते हैं, वो भी देखा जाएगा अब क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, हाँ। इस तरह परिस्थिति दिन कट रहा है। कोरोना से डर लगता है आपको, जिस तरह से पूरे देश में महामारी चल रही है? कोरोना वायरस से डर लगता है, अब क्या किया जाएगा, बैठे हैं मुंह बांध के, इधर उधर छुपा के, सभी को मुंह देख के कौन कैसा दिन कट रहा है, कट रहा है। रेलवे के अधिकारियों से आप नहीं बोले कि कोई व्यवस्था कीजिए और मुझे घर तक पहुँचाइए, परिवार के साथ हम जाएंगे? नहीं, उनसे ऐसा कुछ सवाल नहीं किया गया है, जहाँ तक कि यहीं तक हम लोग अपना चुपचाप बनाता खाता है यहीं पे अपने कंटेन में दो आदमी। मान लीजिए कि 14 को लॉकडाउन नहीं टूटा, फिर आगे डेट अगर बढ़ गया तो फिर क्या होगा? सर डेट बढ़ गया तो फिर यही हम लोग रहेंगे, अब क्या किया जाएंगे, प्रशासन से बढ़ के हम लोग हैं। अपना नाम बताइए। अश्विनी कुमार पांडे, डीहा प्राण। जाहिर तौर पर अश्विनी कुमार पांडे हैं ये भी रीवा के रहने वाले हैं जो कि मध्य प्रदेश में आता है, और जाहिर तौर पर इनका कहना है कि हम लोग फंस चुके हैं, जब लॉकडाउन हुआ तो मुझे लगा कि 4 से 5 रोज का होगा, लेकिन लॉकडाउन का जो समय की अवधि थी वो तारीख बढ़ गई और उसके बाद से इनके मालिक ने यहाँ रोक दिया कि आराम से खाओ पियो और आराम से यहीं पर रहो, लेकिन अब ये बेचारे चाहते हैं कि हम लोग अपने घर पर जाएँ और वहाँ पर अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें। कोरोना जैसी महामारी को लेकर के इनके अंदर खौफ भी देखा जा रहा है, तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि 14 तारीख को लॉकडाउन टूटता है तो क्या ये अपने घर जा पाते हैं, या फिर लॉकडाउन की अवधि आगे बढ़ेगी तो क्या इन्हें अधिकारी इनके घर तक पहुँचाएंगे, या फिर ऐसे ही ये बेचारे सिवान स्टेशन पर अपने परिवार के इंतज़ार में दिन रात जो एक किए हुए हैं इसी तरह से रहेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ठीक इसी तरह से कुछ और जगहों पर हम चलेंगे, वहाँ से भी दिखाएंगे कि सिवान में लॉकडाउन के क्या हालात हैं। ATN लाइव के लिए गोलू के साथ चंदन कुमार, सिवान।